गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने जाने वाले देशी विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए शुक्रवार को टर्मिनल के अंदर चिकित्सा कक्ष का हुआ उद्घाटन। उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मगध रेंज के डीआईजी विनय कुमार, एयरपोर्ट डायरेक्टर दिलीप कुमार, लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी के डायरेक्टर डॉक्टर फरासत हुसैन सहित कई लोग हुए मौजूद। वही टर्मिनल के अंदर चिकित्सा कक्ष के उद्घाटन के बाद शुक्रवार से यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवा हुई प्रारंभ। जो है किसी भी यूनिट के लिए बहुत ही अभिन्न अंग है, वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है, और खासकर बोधगया जहाँ पे इतने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, बाकी टूरिस्ट आते हैं, तो मेडिकल इंटरवेंशन किसी भी स्टेज पे किसी को भी उसकी आवश्यकता हो सकती है। और अगर यहीं पे जब वो इस जिले में एंटर कर रहे हैं, यहीं पे ये फैसिलिटी मिल जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, और इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे वो सभी ने अश्योर किया है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट। गवर्नर्स IGIMS, ये जो मेडिकल इमरजेंसी हम लोगों ने खोली है एयरपोर्ट पे, इसका मकसद है कि जो इंटरनेशनली जो हमारे पैसेंजर्स आते हैं, उनको स्वास्थ्य असुविधा कुछ होती है तो बड़ी परेशानी होती है, उसके लिए हमने खोला है। हमारा एक बंदा जो क्लिनिकली ट्रेंड है वो यहाँ रहेगा 24 घंटा और उनकी देख रेख करेगा। उसके लिए हमने एक बेड यहाँ प्रोवाइड किया है, एक एग्जामिनेशन टेबल है हमारे यहाँ, सक्शन मशीन है, छोटा मोटा जितना भी इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए सामान चाहिए वो मेरे पास है, वो उससे हम मैनेज करेंगे। जल्द ही हम ECG यहाँ प्रोवाइड करेंगे। हाँ, जो सीरियस मरीज रहेगा उसको यहाँ पे मैनेज करके और तुरंत स्टेबल करके, नॉट मैनेज, स्टेबल करके हम लोग तुरंत बाहर रेफर करेंगे हायर सेंटर्स में। गया समाहरणालय सभा कक्ष में शुक्रवार को जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों के विभिन्न योजनाओं की गई समीक्षा। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यान्ह भोजन, संस्थागत प्रसव में बोधगया के नावा पंचायत एवं वजीरगंज प्रखंड की प्रगति धीमी होने को लेकर जल उपलब्धि पूरा करने को लेकर जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। गया शहर के विसार तालाब के समीप एक होटल के सभागार में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मौके पर गया के कई शिक्षकों को द्रोणाचार्य सम्मान से प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। मौके पर श्री साई यूनिवर्सिटी के चांसलर SK पुंज ने उपस्थित होकर शिक्षकों को किया सम्मानित। हमारे बीच आज इस गया धाम में श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और श्री साई यूनिवर्सिटी और कैरियर मेकर की तरफ से हम शिक्षकों को सम्मान द्रोणाचार्य अवार्ड से कर रहे हैं, जिन्होंने अपने शिक्षा के फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया है, अपना नाम कमाया है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसीलिए ये अवार्ड दे रहा हूँ कि आज से बहुत समय पहले मुझे भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। तो उस अवार्ड के बाद जो मेरे काम करने की एनर्जी थी, तो समझता हूँ कि अगर किसी के काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके बाद के काम करने का जो शक्ति है वो बढ़ती है। इसीलिए हम इस कड़ी में सबसे पहली जो जगह हमने ढूंढी है वो गया धाम है, इसके बाद हिमाचल में करने जा रहे हैं, इसके बाद दिल्ली में करने जा रहे हैं, उसके बाद हम राजस्थान में करने जा रहे हैं, हरियाणा में करने जा रहे हैं। तो मैं अपनी जिंदगी में ये अवार्ड को जारी रखने की प्रयास में हूँ, ताकि जो टीचर जो अच्छा काम करते हैं, समाज को टीचे देते हैं, उनका सम्मान किया जा सके। क्योंकि मैं खुद एक टीचर था, आज भी टीचर हूँ। मेरी जिंदगी का जो पहला सफर है वो गवर्नमेंट टीचर से शुरू हुआ था, और मैं समझता हूँ कि एक टीचर को सम्मान देना अपने आप को सम्मान करने के बराबर है। द्रोणाचार्य अवार्ड एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया, क्योंकि शिक्षक लोग ही हमें आगे बढ़ाते हैं। गया शहर के उत्तरी छोर पर अवस्थित रामशिला घाट बारिश नगर में देवा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का गया नगर निगम उप महापौर मोहन श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया उद्घाटन। मौके पर वार्ड पार्षद विनोद यादव, पूर्व वार्ड पार्षद जितेंद्र कुमार के अलावा समाजसेवी मसूद मंजर एवं कई गणमान्य लोग हुए शामिल।
उसके बाद हमारे बड़े भाई हमारे इनके बाद यह है माला पहना के इनका स्वागत करें पैसा मिले अभी जगह की पत्नी सदर थी। इसके बाद देवा इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन समारोह में शिरकत किए हैं। इसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय मसूद मंजर साहब, विनोद यादव जी, सिकंदर वर्मा जी, निहाल भाई, अहर भाई, सब लोग हम लोग सम्मिलित हुए हैं। ये ऐसी जगह में स्कूल खोली गई जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं और ये प्राइवेट सीबीएसई से लिखा हुआ स्कूल है, तो निश्चित तौर पर शिक्षा एक ऐसा ज्ञान एक ऐसा अमूल्य धन है जिसकी चाहे जितनी भी वर्णन किया जाए वो कम। शिक्षा से ही हवाई जहाज को लोग आसमान में उड़ा रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान के बदौलत ही आईटी और सैटेलाइट से पूरे दुनिया को मुट्ठी में कर ली जा रही है। इसलिए ये अमूल्य धन को अर्जित करने के लिए संस्था जो आज उद्घाटन हुआ है काबिले तारीफ है। इसके आयोजक लोग इस्लाम भाई, राजा भाई, सारे लोग मिलकर के ये किए हैं। मैं उनको कोटि कोटि का हृदय दिल से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यह भी महसूस करता हूँ कि जिस क्षेत्र में ये गरीबी से नीचे के पायदान पर रहने वाले लोगों की जहाँ संख्या हो, वहाँ पर विद्यालय खोल के इतना सुंदर पठन पाठन का जो सोचा है उसके लिए भी हृदय दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ बहुत गरीब और कमजोर पीछे टाइप के मोहल्ले हैं, तो इसमें हमने यहाँ पे आते जाते देखते थे कि बहुत पीछे टाइप का मोहल्ला है और गरीब भी टाइप के मोहल्ला है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ कुछ शिक्षा का प्रावधान रखा जाए जिससे मोहल्ला का कुछ लोग भी पढ़ लिख सके और कुछ मोहल्ला का भी विकास हो। इसी वजह से हमने देवा इंटरनेशनल स्कूल रखे हैं जिसमें 9 एडमिशन फ्री वगैरह बच्चों को, जितने बहुत सारे अंधी बच्चे हैं या कमजोर बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाई देना, फ्री में सब कुछ एजुकेशन देंगे, उसको कपड़ा देंगे, खाना देंगे, सब कुछ उस बच्चे को फ्री देंगे और प्लस का इसमें बच्चे पढ़ाएंगे ताकि हमारे मोहल्ले के गरीब जो है गरीब बच्चे हैं तब से कुछ तो पढ़ लें हमारे माध्यम से, कुछ कर लें हमारे माध्यम से। ये मेरा स्कूल खोलने का मेन उद्देश्य है। उद्घाटन हमने यहाँ श्री मोहन श्रीवास्तव जी जिनके द्वारा हमने उद्घाटन करवाया, उनसे भी चाहिए उनसे भी कुछ सहयोग लें ताकि हम लोग को कुछ सहयोग होगी। गया जिला प्रशासन के द्वारा गया शहर के तिलकुट विक्रेता को प्लास्टिक में तिलकुट पैकिंग पर बैन लगाने के मामले को लेकर शुक्रवार को तिलकुट दुकानदारों ने जिला पदाधिकारी को सौंपा एक ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से तिलकुट दुकानदारों ने जिला प्रशासन से कहा कि संक्रांति पर्व को लेकर दुकानदारों को व्यवस्था करने के दी जाए मोहलत। हम लोग आज तिलकुट के व्यवसायी वर्ग से सब लोग आए हैं यहाँ डीएम साहब से मिलने, क्योंकि हम लोग को क्या करना है इसकी कोई जानकारी आज तक जिला प्रशासन या नगर निगम नहीं दिया। बड़ा बड़ा कार्यक्रम किया है उसके माध्यम से शहर को बता दिया पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गया का डेयरी का दूध घी रामदेव जी का हो चाहे इन्हीं का घी हो सब पॉलिथीन में पैक है। काजू किशमिश अखरोट छुहाड़ा सब पैक है प्लास्टिक में। हम लोग भी पैक करके डब्बे में रख करके बेचना शुरू किया इधर कई सालों से, तब हम लोग चाहते हैं कि अब वो कहते हैं कि नियमित डब्बा पर मार्का लगे तो तुरंत तो संभव नहीं है। और तिलकुट को आप लोग भी सब लोग जानते हैं कि तिलकुट घरेलू उद्योग है, बड़े बड़े लोग इसमें दो तीन लोग भले हैं लेकिन ज़्यादातर लोग गरीब आदमी है, खुंचा पर बेचने वाले, ठेला पर बेचने वाले और ज़्यादातर रमना आइए दिखा देते हैं, ज़्यादातर अपने परिवार के लोग मिल के काम करते हैं, लेबर नहीं रखते समझे ना। तो हम सरकार के नियम का विरोध नहीं करते हैं, साथ देना चाहते हैं कि पोल्यूशन मुक्त हो भारत देश, अपना प्रदेश अपना जिला अपना प्रदूषण मुक्त हो, लेकिन कुछ समस्याएं जो खड़ी होती है तो इसी के लिए हम लोग जिला प्रशासन से कि 14 जनवरी संक्रांत है
कुछ दिन का और समय हम लोग को दिया जाए ताकि जो मापदंड है, जो सरकार का मापदंड है या पोल्यूशन विभाग ने जो मापदंड तय किया है उस पर एकदम फिट बैठे, ये हम लोग का प्रयास रहेगा 10 दिनों के अंदर 15 दिनों के। प्लास्टिक पैकिंग हम लोग करके डब्बा में रखते हैं, ये नहीं कि प्लास्टिक। गैर की टिकारी प्रखंड अंतर्गत टिकारी बाजार स्थित नगर पंचायत के सभागार में शुक्रवार को अनुमंडल प्रशासन की ओर से 24वां अनुमंडल स्थापना दिवस का किया गया आयोजन। मौके पर अनुमंडल के कई पदाधिकारी हुए उपस्थित। विद्या अपार्टमेंट एंड तेज टावर कंस्ट्रक्शन के अधीन गया के पीरमंसूर स्थित एक सभागार में फिल्म मुक्तिधाम का हुआ ऑडिशन। मौके पर फिल्म के डायरेक्टर मेहंदी हसन और निर्माता विकास कुमार के अलावा अन्य लोग हुए शामिल। वहीं ऑडिशन के मौके पर लगभग 100 प्रतिभागी हुए शामिल। फिल्म मुक्ति धाम जिसको हम लोगों ने 2019 में स्टार्टिंग करने के लिए प्रयास किया है और स्टार्ट भी हो जाएगा, जनवरी से इसकी शूटिंग होगी। अभी आज 28 को हम लोगों ने ऑडिशन रखा मुक्ति धाम के लिए, जिसमें काफी प्रत्याशी जो इसमें काम करना चाहते हैं, जो भी ऑडिशन में भाग में सेलेक्ट होंगे वो लोग को मूवी में रोल दिया जाएगा। और मुक्तिधाम फिल्म के लिए ऑडिशन जो आज रखा गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग भी लिए हैं, करीब 100 से ऊपर लोगों ने आज ऑडिशन दिया। 10 बजे से रखा गया था, ये स्वयंवर वेंकटेश हॉल में रखा गया है। और इस फिल्म को बनाने के लिए हमारे मेहंदी सर हैं डायरेक्टर का, इनका किरदार है। और कुछ बातें जो मैं बता नहीं सकूंगा क्योंकि मेरा काम निर्माता का है। मैं ऑडिशन डांस का भी है, सिंगिंग का भी है, एक्ट का भी है, डायलॉग का भी है, और भी व्हाटएवर दो तीन तरह से लोगों ने एक्ट किया है जिसको अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, वो वीडियो से हम लोग कलेक्ट करेंगे। और जो भी लोग प्रत्याशी जो लोग भाग लिए हैं वो लोग जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको मेल कर दिया जाएगा। कि आप लोग जानते हैं पिछले बार भी हम लोग मिले फिल्म को लेकर, गया की महत्वता को दर्शाने के लिए मुक्ति धाम हम लोग लेकर आ रहे हैं। जनवरी से इसकी शूट स्टार्ट हो रही है और आज हम लोगों ने यहाँ ऑडिशन रखे थे। हम चाहते हैं कि इस फिल्म में गया के ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार हों। वैसे तो बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस फिल्म में काम कर रही हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो गया के लोग हों, ताकि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को भी फिल्म में देखने का मौका मिले, एक नया सुनहरा अवसर मिले। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कई प्रतिभागी, लगभग 100 से ऊपर लोगों ने आज ऑडिशन दिया और कुछ लोगों को हमने सेलेक्ट भी किया है जो बहुत जल्दी बता दिया जाए। गैडोभी मार्ग पर मगध विश्वविद्यालय के निकट वामसेफ के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुक्रवार को हुआ संपन्न। मौके पर सामाजिक कुरीति को दूर करने एवं लोकतंत्र की रक्षा को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। अपने समाज को जो संवैधानिक शब्दों में SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, कुल मिला के मूल निवासी बहुजनों को कमांड के लिए तैयार करती है, डिमांड के तैयार
नहीं करती है, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी लोग मेजोरिटी में होते हैं वो कमांड करते हैं, डिमांड नहीं करते। तो भारत में जो मेजोरिटी है उसको मेजोरिटी में लाने के लिए, यानी 6,743 जातियों में बांटे गए यहाँ के धरती पुत्रों को एक समाज बना करके इस देश की सत्ता उनके कमान के हाथ में देने के लिए ये अभियान चलता है। ये विश्वास के साथ कि जिसका देश है वही इसकी रक्षा कर सकता है, जिसका देश नहीं है वो रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए ये इसका अब 4 दिन 4 डे 25 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कितने लोग शामिल, करीब करीब 6,000 लोग ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट किए। ये तो बामसेफ का कार्यक्रम था 4 दिन का, 25 तारीख से आज 28 तारीख तक 4 दिन का ये कार्यक्रम रहा है। तो भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर हमने मतलब अपने समाज को जागृत करने के लिए मोस्टली संविधान से संबंधित जो है, रोजगार से संबंधित जो है, आइडेंटिटी से संबंधित जो है, संविधान की जो मतलब आज जो संविधान को जिस ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से इस मूल्यवासी भोजन समाज के अधिकार नहीं मिल रहे उन्हें, तो उन्हें अधिकार मिलाने के लिए अपने समाज को जागृत करके वो अपने अधिकार कैसे आप ले सकते हो, कैसे हासिल कर सकते हो, इसके बारे में समाज को जागृत किया गया। कहाँ से लोग शामिल हुए? यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से कहीं 23 राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किस्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किस्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किस्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड, धामी टोला, गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 0631222190। सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स तेज टावर, एड्रेस रसलपुर अपोजिट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया। कॉन्टेक्ट फॉर बुकिंग अपार्टमेंट। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस कोयरी बारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया। फैसिलिटीज क्लब हाउस, इंटरकॉम, कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी सीसीटीवी, इंडोर गेम, वास्तु फ्रेंडली सिक्योरिटी, जिनसेट, लिफ्ट, वाईफाई, रीडिंग हॉल, कॉमन हॉल, शॉपिंग एरिया, एरोबिक क्लासेस। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, हरी अप, बुकिंग ओपन। तेज टावर, एड्रेस रसलपुर अपोजिट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस कोयरी बारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 8434549676 और 7462835223।